चल मेरी गाड़ी के दर्शकों को रोशन का सलाम। आज बात होगी नई गाड़ियों की, नई जानकारियों की। इससे पहले कि आपको इस खूबसूरत सफर में लेकर चलें, सबसे पहले ये जानिए कि आज के एपिसोड में क्या कुछ है खास आपके लिए। आज आपके लिए करेंगे इंडिका विस्टा ड्राइव टेक 4 की टेस्ट राइड, जानेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर और होंडा सीआरवी में कौन है दमदार, बताएंगे पर्सनल ट्रांसपोर्टर X2 के बारे में, साथ ही होगी आपके लिए सीबी यूनिकॉर्न डेजलर। टाटा ने एक ऐसी कार पेश की 1998 में जिसे सही मायनों में भारतीय कार कहा गया। टाटा इंडिका जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ लंबा सफर तय कर चुकी है, लेकिन नई जनरेशन के मुताबिक उसमें कुछ बदलाव जरूरी हैं और इसी बदलावों के साथ उसे पेश किया गया टाटा इंडिका विस्टा के रूप में, जिस पर होगी आज हमारी खास नजर। 10 साल का लंबा वक्त नई जनरेशन कार के मुताबिक इसको डिजाइन में जो बदलाव किए जाने थे वो सारे किए गए हैं। बहुत बारीकी अगर बदलावों की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी नजर इस गाड़ी की हेडलैम्प पर जाएगी। पुरानी इंडिका के मुकाबले ये काफी ज्यादा स्टाइलिश है, बहुत ब्रॉड और लंबा रखा गया है, स्टिच किया गया है इसे लंबे छोर तक के लिए। ये न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी वाली हेडलैम्प भी इसे कह सकते हैं। जो बदला हुआ रूप आपको नजर आएगा उसके मुताबिक मुझे ग्रिल भी काफी अग्रेसिव और स्टाइलिश नजर आती है। बोनेट पर जो क्रोम लाइन ऊपर दिए गए हैं ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस नज़र आएगी। डिज़ाइन में जो बदलाव किए गए हैं वो सब कुछ आपकी डिमांड को ध्यान में रखकर किए गए हैं। अगर फ्रंट लुक की ही बात ना की जाए, थोड़ा सा पीछे आए आप तो आपको जो लाइन नज़र आएगी डोर पर वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा नई लुक की जो डिमांड है उसको पूरी करती हुई नज़र आएगी। ये गाड़ी पुरानी इंडिका के मुकाबले कुछ ज़्यादा बड़ी नज़र आती है, यानी कि जो स्पेस को लेकर अगर कुछ कमी रह गई है इस गाड़ी में तो वो पूरी करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। ऑरा वर्जन हमारे साथ है। फिलहाल एक खास बात और इस गाड़ी के बारे में कि जो यूरो 4 मापदंड लागू कर दिए गए हैं गाड़ी के लिए वो भी ये पूरा करती है। क्वाड्रा जेट गाड़ी हमारे साथ है, आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं, ये है क्वाड्रा जेट। इसके अलावा इसके सफायर इंजन को भी आप ले सकते हैं जो BS4 के जो मानक है उनको पूरा करती है। इंजन क्वालिटी की डिटेल बताने के लिए मैं आपको ले चलूँगा, लेकिन उसके पहले ये रियर लुक जो इस गाड़ी का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पुरानी इंडिका में अगर आप मुझसे बदलाव को लेकर पूछें तो यहाँ तक उसकी टेल लैंप आती थी जिसको थोड़ा सा और लंबा किया गया है। ये भी एक खूबसूरत टच है रियर लुक में खूबसूरती में इजाफा करने के लिए। बहुत ज़्यादा बदलाव मैं इसमें नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार फिर से आगे की ओर चलते हैं और एक बार आपकी नज़र फिर इस गाड़ी पर डलवाता हूँ मैं और दिखाता हूँ कि गाड़ी में जो बदलाव किए गए हैं इस गाड़ी में विस्टा में वो कितने अपमार्केट हैं। फिलहाल ये बात हो गई है गाड़ी के लुक को लेकर, अब हम बात करेंगे इस गाड़ी की इंजन क्वालिटी को लेकर जिसको थोड़ा सा इन्हेंस किया गया है इन मायनों में कि ये रिट्स को, हुंडई i10 को, मारुति की और गाड़ियों को टक्कर दे सके। तो जानते हैं इस गाड़ी की इंजन क्वालिटी के बारे में। किसी भी गाड़ी की खूबसूरती को जानने से मन नहीं भरता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उस गाड़ी की इंजन क्वालिटी को पहचानना। यानी गाड़ी की ताकत अगर ज़्यादा होगी तो अच्छी परफॉर्मेंस देगी और आपका लंबा साथ निभाएगी। अगर इस गाड़ी के इंजन की बात की जाए तो 3 वैरायटी आपके पास है इंजन को चुनने के लिए। क्वाड्रा जेट गाड़ी हमारे साथ है, 1.2 लीटर का CRDI क्वाड्रा जेट इंजन इसमें लगा है। 75 BHP की मैक्सिमम पावर 4000 RPM पर, 190 Nm की मैक्सिमम टॉर्क है 1750 RPM पर। इसके अलावा सफायर इंजन की क्वालिटी को आप चुन सकते हैं, TDI चुन सकते हैं, लेकिन सफायर और क्वाड्रा जेट BS4 के मानकों में खरा उतरता है। और TDI की बात की जाए तो उसे 13 शहरों में आप नहीं चला सकते हैं जहां पर BS4 मानक लागू हो गए। दिल्ली उनमें से एक है, इसलिए अगर इन इंजन को आप चुनते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वेरिएंट की अगर मैं बात करूं वो भी समझना ज़रूरी है। आप एक्वा चुन सकते हैं, ऑरा चुन सकते हैं, ऑरा प्लस भी आपके लिए एक ऑप्शन है। इसके अलावा 13 की ऑप्शन आपके सामने है। ये वो वेरिएंट हैं जिनके मुताबिक आपको गाड़ी में जो और फीचर्स हैं वो इन्हेंस होते मिलते हैं। ऑरा प्लस एक सुपीरियर वेरिएंट है जिसमें आपको सारे फीचर्स जो आपको विस्टा में चाहिए वो आपको मिलेंगे। ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर आप विस्टा को एक बेहतर ऑप्शन मानते हैं अपने लिए। लेकिन मानेंगे कैसे, क्योंकि सिर्फ खूबसूरती से मन नहीं भरता, इंजन क्वालिटी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उस पर हमने बात कर ली। लेकिन जानना ज़रूरी है कि जो इंटीरियर्स होने चाहिए आपकी सहूलियत के मुताबिक और जो टेस्ट ड्राइव में खूबी निकलनी चाहिए वो निकलती है नहीं, उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव पर। अब हम निकल चुके हैं इंडिका विस्टा के एक छोटे से सफर पर ये जानने के लिए कि गाड़ी की परफॉर्मेंस को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और इंटीरियर्स की जो खूबियां गिनाई जा रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है।
नो डाउट गाड़ी में जो पहली इंडिका है उसके मुताबिक जो नई जनरेशन की बात की जा रही है वो इंडिका विस्टा में आपको नजर आएगी। वो सारी खूबियां देने की इसमें कोशिश की गई है जो आज की जनरेशन की डिमांड हो सकती है। सबसे पहले बात होती है स्पेस को लेकर, आप गाड़ी में चाहते हैं बेहतर स्पेस मिले वो इस गाड़ी में नजर आती है। व्हील बेस ज़्यादा है पुरानी इंडिका के मुकाबले जो कि आपको नजर आएगा। स्टेयरिंग व्हील आप संभालेंगे तो ड्राइविंग सीट में आपको लगेगा कि आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत आसानी से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं और यही खूबी स्पेस की आपको रियर सीट में नजर आएगी। यानी जो लोग पीछे बैठकर सफ़र करेंगे उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश इस गाड़ी में की गई है। और अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, यानी फीचर्स अच्छे होने चाहिए डिमांड आपकी होती है। फीचर्स में जाएं उससे पहले आपको जो मीटर कंसोल नजर आता है स्टेयरिंग व्हील के सामने हर गाड़ी में वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। सेंट्रल मीटर कंसोल दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आपको बहुत क्लियर नजर आएगी। यानी आपके पेट्रोल को लेकर, मीटर को लेकर, आरपीएम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत साफ नजर आ रही है। ये जो नई जनरेशन की बात मैं कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर, ये एक नया एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं जो कई गाड़ियों में आजकल देखा जा रहा है। ये कितना बेहतर होता है ये आप ड्राइवर जो लंबा सफर इसमें तय करेगा वो जानेगा। लेकिन और फीचर्स की बात, आप चाहते हैं केबिन में ना सिर्फ स्पेस को लेकर ध्यान रखा जाए बल्कि जो सहूलियत होनी चाहिए एटमॉस्फेयर को लेकर, यानी एसी बहुत अच्छा काम करना चाहिए, वो इसमें खूबी मुझे नजर आ रही है। इसके अलावा इसका सीडी प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है, काफ़ी अच्छा है और जिस तरह से इंटीग्रेटेड दिया गया है वो अपने आप में काफ़ी अपीलिंग है, खूबसूरती में इजाफा करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और चलिए बात कर लेते हैं फीचर्स की जो कि ज़रूर होने चाहिए गाड़ी में आपकी डिमांड होती है। सबसे पहले केबिन रिलैक्स एटमॉस्फेयर आपको नजर आए, बहुत ज़्यादा सूदिंग एहसास आपको मिले, उसके लिए डुअल टोन बीच कलर का इस्तेमाल पूरी गाड़ी में किया गया है, बहुत ज़्यादा एडवांस या आप मार्केट गाड़ी नजर आती है उसकी वजह से। उसके अलावा केबिन में रिलैक्स रहने के लिए जिस तरह की एसी की आप डिमांड करते हैं वो इसमें दिया गया है। केबिन में इस समय मैं इतना लंबा सफ़र तय कर चुका हूँ और जो सूदिंग एहसास होना चाहिए, कम्फर्टेबल एहसास होना चाहिए केबिन के अंदर, वो मुझे नज़र आ रहा है। सीडी प्लेयर इसका काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ी बात होती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो इन सारे फीचर्स के अलावा जो गियर लीवर है वो आपकी शर्तों के मुताबिक उसे शिफ्ट होना चाहिए। 5 गियर इसमें दिए गए हैं और जिनको शिफ्ट करने में गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन अब ज़रूरी है कि इसे मैं तेज़ रफ्तार में चलाऊँ और ये जानने की कोशिश करूँ कि जो इंजन क्वालिटी मैंने आपको बताई थी वो तेज़ रफ्तार में किस तरह की निकल कर आती है। तेज़ रफ्तार में चलाने का मज़ा इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन जब भी तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाएं तो सेफ्टी फीचर्स का ध्यान ज़रूर रखें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें जैसा कि हम हर एपिसोड में आपको ये सलाह देते हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स का जो इंडिका विस्टा में इस्तेमाल होना चाहिए था वो दिया गया है। इसमें डुअल SRS बैग है, AVS विद EBD सिस्टम इसमें दिया गया है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो सेफ्टी फीचर्स को लेकर आपको ध्यान रखने चाहिए वो आप उनका ज़रूर ध्यान रखें। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एक बार इस गाड़ी को ट्राई ज़रूर करें। चल मेरी गाड़ी के सफर में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात होगी होंडा की CB यूनिकॉर्न डेसलर के बारे में।